देखिए ये इंद्र शब्द आप लोग समझते हैं कि स्वर्ग सम्राट इंद्र के लिए आता है, लेकिन ये वेदों में इंद्र शब्द भगवान के लिए भी आता है, आया है। ऋग्वेद में एक मंत्र है इंद्रो भगः, इंद्र माने भग, और भग का भाष्य किया सायणाचार्य ने सर्वैर भजनीयः भगः, यानी जिसकी देवता मनुष्य दानव सब पूजा करें, जो सबका पूज्य हो, उस सुप्रीम पावर को भग कहते हैं, यानी भगवान। तो इंद्र माने भगवान। तो अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधसो अर्चत, इंद्र की पूजा करो, विशेष पूजा करो। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। यजुर्वेद, तीन नेत्र वाले हैं भगवान शंकर। हे तीन नेत्र वाले भगवान शंकर, हम आपकी उपासना करते हैं। ये देखो सगुण साकार का वर्णन हो रहा है। आश्रुत कर्ण श्रुधि, ऋग्वेद। हे बहुत दूर की सुनने वाले इंद्र, मेरी पुकार सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्र, ऋग्वेद। हे इंद्र, दो घोड़े की, चार घोड़े की, छह घोड़े की, आठ घोड़े की सवारी में बैठ करके आओ और हमको दर्शन दो। ये सब सगुण साकार का वर्णन हो रहा है वेदों में। और जिन वेद मंत्रों में निर्गुण निराकार का वर्णन भी किया गया है, उनका अर्थ विचारणीय है। एक वेद मंत्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। अर्थात जिसका महान यश होता है, अनंत यश जिसका है, यानी भगवान, उसकी प्रतिमा नहीं होती। तो यहां प्रतिमा शब्द का अर्थ है कि उसके समान कोई नहीं है। सब भाष्यकारों ने इसका ये अर्थ किया है कि अनंत यश वाले भगवान के समान कोई नहीं है। देखिए आप लोगों ने भी एक शब्द सुना होगा ना, अप्रतिम, यानी जिसकी प्रतिमा न हो उसे कहते हैं अप्रतिम, यानी इनकम्पेरेबल, जिसकी कोई समानता न हो, अप्रतिम सौंदर्य। तो ये वेद मंत्र का सीधा सीधा अर्थ है कि जिसका अनंत यश है उस भगवान के समान कोई नहीं है। सब भाष्यकारों ने इसका ये अर्थ किया है, लेकिन कुछ लोग, भोले लोग, ये अर्थ करते हैं कि भाई ये प्रतिमा का मतलब तो यहां पर मूर्ति है, कि भगवान की प्रतिमा नहीं होती, मूर्ति नहीं होती, ये मतलब है। अब देखो ये जो मंत्र है ये पुरुष सूक्त का मंत्र है, और पुरुष सूक्त में भगवान की स्तुतियां हैं, जैसे सहस्रशी रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभू मिग्वम सर्वतस्तवात्यतिष्ठ दशांगुलम। यानी ये सब स्तुतियां हैं भगवान की पुरुष सूक्त में। तो ये जो मंत्र है इसके पहले भी स्तुति है भगवान की, इसके बाद भी स्तुति है, और ये मंत्र भी स्तुति का है कि अनंत यश वाला है भगवान, उसके समान और कोई नहीं है। लेकिन देखो भोले लोगों को कि इसके पहले क्या मंत्र है उससे मतलब नहीं, इसके बाद क्या मंत्र है उससे मतलब नहीं, बस बीच का एक मंत्र लेके और उसका अपने अनुसार मनमाना उल्टा सीधा अर्थ लगा दिया कि उसकी प्रतिमा नहीं होती, पूर्वा पर संबंध देखे बिना।
ऐसे ही एक अन्य मंत्र और भी है, उस पर भी बड़ा आक्षेप होता है। सपर्यगात छुक्र मकाय मव्रण मसना विरम शुद्ध मपाप विद्धम कविर मनीषी परिभूह स्वयं भूह। ये वेद मंत्र है। इसके पहले एक वेद मंत्र है, तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। मातरिश्वा नाम का वायु अप माने सोम को अग्नि में जब डालता है तब शुक्र नाम के तत्व की उत्पत्ति होती है। यही शुक्र सृष्टि करता है। और ये शुक्र कैसा है? ये अव्रण है, अकाय है, अव्रण है। उसमें कोई घाव नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, अस्नाविरम, उसमें कोई गांठ नहीं है। और वो मातरिश्वा नाम का वायु सपर्यगात चारों ओर से इस शुक्र को घेर कर बैठा हुआ है। और वो मातरिश्वा कैसा है? कविर मनीषी परिभूह स्वयं भूह इत्यादि। बड़ी बड़ी बहुत लंबी व्याख्या है इसकी। तो देखो, कुछ लोग इसका ये अर्थ करते हैं कि भाई ये जो मंत्र है ये ब्रह्म के लिए आया है। यानी इसके पहले वाला जो मंत्र है जिससे इसका कनेक्शन है, मैंने जो भी आपको बताया उसको गोल कर दिया। और इस मंत्र के लिए कहते हैं कि भाई ये भगवान के लिए आया है, ब्रह्म के लिए आया है, कि वो तो अकाय है, उसकी काया नहीं होती, यानी शरीर नहीं होता, यानी वो सगुण साकार नहीं होता, यानी वो निराकार है, ऐसा अर्थ करते हैं। लेकिन जरा उनसे बात की जाए, आप जो इसका ये अर्थ कर रहे हैं कि ये ब्रह्म के लिए आया है, अकाय माने ब्रह्म निराकार है, तो एक बात बताओ, ये अकाय के बाद क्या शब्द आए हैं? अव्रणम, अस्नाविरम, अर्थात उसके शरीर में कोई घाव नहीं है, छिद्र नहीं है, और अस्नाविरम, उसमें नस नाड़ियां नहीं है, वो शुद्ध है, दोष रहित है, ये आया है। हाँ, तो जब ये कह दिया गया कि ब्रह्म निराकार है, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी? ये कैसे कहेगा वेद कि उसके शरीर में कोई घाव नहीं है, नस नाड़ियां नहीं है? अरे, क्या कोई ऐसा वाक्य बोलता है संसार में, रमेश के लड़का नहीं है और लड़के के दांत नहीं है? ऐसा वाक्य कोई बोलेगा संसार में? अरे, जब लड़का ही नहीं है तो ये क्यों बोल रहे हो कि लड़के के दांत नहीं है? अरे, जब लड़का होता तब तो दांत है कि नहीं है ये प्रश्न आता। जब लड़का ही नहीं है रमेश के, तो ऐसा कहने की क्या जरूरत है कि उसके दांत नहीं है रमेश के, लड़के के? तो ऐसे ही अगर आप कहते हैं कि ये ब्रह्म के लिए आया है, कि ब्रह्म निराकार है, ये मतलब है वेद का, तो फिर उसके बाद ये क्यों कह रहा है वेद कि ब्रह्म निराकार है और उसके शरीर में कोई घाव नहीं है और उसके शरीर में नस नाड़ियां नहीं है? अरे, जब शरीर ही नहीं है उसके, तो शरीर में घाव नहीं है और शरीर में नस नाड़ियां नहीं है, ये क्यों बोलते हो? ये कैसे बोलेगा वेद? और अगर ऐसा बोलता है वेद, यानी अगर हम तुम्हारी बात मान करके और ये अर्थ भी लगा लें कि ये वेद मंत्र ब्रह्म का निरूपण कर रहा है, ये भी मान लिया जाए, तो अगर इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वेद, अकाय और अकाय के बाद अव्रण और अस्नाविरम, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म का दिव्य शरीर है। अकाय माने दिव्य शरीर है, क्योंकि काया माने होता है जो संचित कर्मों से शरीर मिलता है, धातु से बनता है, उसको काया कहते हैं।
तो भगवान का शरीर ऐसा नहीं है प्राकृत, वो अकाय है, संचित कर्मों से उसका शरीर नहीं बना हमारी तरह, वो दिव्य शरीर है उसका। और जब दिव्य शरीर है तो दिव्य शरीर कैसा है, उसमें नस नाड़ियां नहीं होती दिव्य शरीर में हमारे शरीर की तरह, उसमें कोई छेद वेद नहीं होता हमारे शरीर की तरह। हाँ ये तो घटित हो सकता है अर्थ, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई अकाय माने निराकार, अगर ये मान लिया जाए तो अगर ब्रह्म निराकार है तो उसके आगे फिर वेद ये क्यों कहता है कि उसके शरीर नहीं, वो शरीर रहित है और उसके शरीर में नस नाड़ियां नहीं और घाव नहीं और ये नहीं और वो नहीं, रमेश के लड़का नहीं और रमेश के लड़के के दांत नहीं और उसके पैर नहीं, ये सब क्यों कहेगा कोई। अस्तु, मैं आपको केवल इतना बताना चाहती हूं कि देखो संसार में, यानी हमने जो प्राकृत रूप बनाया भगवान का, हम मन से बना ले। मैंने आपको कल बताया था कि 8 प्रकार की प्रतिमा होती है, शैली दारुमयी लौही लेख्या लेप्या च सई कति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता भागवत। तो ये 8 प्रकार की जो प्रतिमाएं होती हैं, इनमें एक मनोमयी भी होती है, मन से बना लो भगवान का रूप, या फिर किसी मूर्ति को देख करके उसके अनुसार बना लो, लेकिन वो है तो प्राकृत। अरे वो मूर्ति क्या है, किसी शिल्पकार ने पत्थर लिया पहाड़ का काला और उसको फिर हथौड़ी से उसमें ठोक ठाक करके उसमें आंख नाक कान आदि बना दिए और फिर उसको भूत प्रेत सरीखा खड़ा कर दिया मंदिर में, फिर हमने कहा जय हो भगवान जी की जय हो जय हो, लेकिन है तो वो पत्थर, इसीलिए हमें कोई आकर्षण नहीं होता उसमें। अब सभ्यता के कारण हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन हमें कोई खिंचाव नहीं होता उस मूर्ति की ओर, हमें इतना भी आकर्षण नहीं होता जितना अपने बेटे बीबी आदि को देख करके होता है, उतने भी अच्छे नहीं लगते हमको वो, क्योंकि है तो प्राकृत रूप, को एक पत्थर से बना दिया एक शिल्पकार ने। ऐसे ही एक चित्रकार ने फोटो बना दी, तो कागज के ऊपर उसने खींच के रेखाएं वगैरह एक फोटो बना दी, वो भी है तो मटीरियल सामान, प्राकृत जगत का है। तो चाहे आप मूर्ति का की सहायता ले उसके अनुसार ध्यान करें, या कोई चित्र लेकर के उसके अनुसार ध्यान करें, या आप मन से कोई मूर्ति बना ले, ये है तो संसार, प्राकृत है वो, लेकिन उस प्राकृत रूप ध्यान का भी भगवान दिव्य फल देते हैं। क्योंकि हम उसमें भावना भगवान की किए हुए हैं, इसीलिए हमको दिव्य फल मिलता है भगवान की अकारण करुणा के कारण, वरना तो हमको कभी भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती, लाइन ही कट जाए बीच में से। तुम्हारा इंद्रिय मन बुद्धि सब प्राकृत है, हाँ, इसीलिए तुम्हारा बनाया हुआ रूप ध्यान सब प्राकृत है, हाँ, अब मैं दिव्य चिन्मय हूं, हाँ जी आप दिव्य चिन्मय है, तो फिर तुम्हारा हमारा रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता, छुट्टी, बात खत्म, लाइन कट गई। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान चूंकि अकारण करुण है, इसलिए अकारण करुणावश वो उस संसार में प्राकृत वस्तु में प्राकृत रूप ध्यान में की गई भगवान की भावना के अनुसार अपना फल प्रदान करते हैं, भगवान का फल प्रदान करते हैं। यानी ये भगवत प्राप्ति तो कृपा से होती है, कृपा से, ये जीव की अपनी कमाई नहीं है। जीव का तो बस इतना कर्तव्य है कि वो मां में कम शरणम ब्रज की अवस्था पर पहुंच जाए, बस यहां तक पहुंचना है जीव को, बाकी सब कुछ भगवान करेंगे। भगवत प्राप्ति तो उनके दिए हुए सामान से होती है, वो जीव कमा नहीं सकता उसको। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम
ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। गीता दसवें अध्याय का दसवां श्लोक, यानी जब वो प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं प्राकृत मन आदि के द्वारा, तो मैं कृपा के द्वारा उनको अपना दिव्य बुद्धि योग देता हूं, दिव्य ज्ञान कराता हूं, कृपा से मैं देता हूं वो ज्ञान। येन, फिर उस ज्ञान के द्वारा जीव माला माल होता है।